ये तस्वीर है संदिग्ध आतंकी फसीह मोहम्मद की, जिसे सऊदी अरब में पकड़ा गया है। बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाला 28 साल का फसीह मोहम्मद पेशे से इंजीनियर है। भारतीय एजेंसियों को फसीह मोहम्मद की कई अहम मामलों में तलाश है। 2010 में दिल्ली की जामा मस्जिद के करीब हुई फायरिंग और बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुए धमाकों के मामले में दिल्ली और कर्नाटक पुलिस को फसीह मोहम्मद की तलाश है। जांच एजेंसियां इस बात की जांच में भी जुटी है कि कुछ दिन पहले दिल्ली में पकड़े गए जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू हमजा का लिंक फसीह मोहम्मद से तो नहीं है। पीटीआई के मुताबिक फसीह मोहम्मद की गिरफ्तारी की खबर के बाद दिल्ली और कर्नाटक पुलिस ने सीबीआई से उसके प्रत्यर्पण के लिए कहा है, ताकि उससे कड़ाई से पूछताछ की जा सके। और सीबीआई ने इंटरपोल से बात कर फसीह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने को कहा है, जिसके बाद सीबीआई की एक टीम सऊदी अरब जाकर फसीह मोहम्मद के प्रत्यर्पण की कोशिश करेगी।